यार अब जल्दी से निकलो यहाँ से, आओ भाई। और अब हम लोग फाइनली ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो गाइस बस हमें मथुरा हाईवे पर छोड़ दी और वहां से हम लोगों ने ऑटो किया और हम जा रहे हैं वृंदावन। तो गाइज़ मेरा तो पहला ये एक्सपीरियंस है वृंदावन में और मैं पहली बार ही आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी क्योंकि हमेशा मैं सुनती थी कि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि चलो वहाँ पर देखते हैं और भी चीज़ें। इतनी सारी रिलीजियस चीज़ें हैं तो वो सब एक्सप्लोर करना था, उसके बारे में जानना था, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें दीदी बता भी रही थी तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। गाइस ये है यमुना नदी जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, लेकिन ये वही नदी है जहाँ से वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को इस पार से उस पार लेकर गए थे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इतने गहरे नदी में कैसे ये पॉसिबल हुआ। काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के मुझे, एक बहुत ही अच्छा वाइब्स आ रहा था कि यार रिलीजियस चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि हम सुनते थे, अभी हम सामने से देख रहे हैं वो सारी चीज़ें। गाइस पहुँच गए नीचे, हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं कुछ तो है। क्यों भाई अब तो पट्टा ले लोगे मुझसे? कहा ये ना, ये कुछ तो कोई अच्छी चीज बन रही है। 50 पर पर्सन कितना और चाहिए? ये कैश चाहिए क्या? अरे यार ये कैश कट में नहीं नहीं ले रहा है मेरे में। वैसे मैं बस कैश नहीं है और हम बस मुंह खाके चले आए। ओ छोटी मैम गाइस 100 रुपये मिल गए हमारे पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतने भी वो हैं गए गुजरे। फाइनली हम लोग पहुंच गए। हाँ यार अगर कैश निकल पाए तो एटीएम से निकाल लो, इसलिए हम लोग एटीएम भी लेकर आए थे गाइस क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास कैश नहीं होगा और यहाँ कैश लगेगा। गाइस अब हम चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं जो कि अभी पैसे की दिक्कत होने वाली है क्योंकि हमारे पास कैश एकदम जीरो है। नहीं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट है गाइस, कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ जगहों पे नहीं है। तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ज्ञान जी पे करेंगे एंड विल पे यू बाई दो नहीं। और कौन है जो पैसे लेकर नहीं आए हैं? क्यों ऑल नल गाइस, मैं भी नल नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं है, मैं ज्ञान के भरोसे हूँ। वैसे भी ज्ञान के पास क्रेडिट कार्ड है, 1.5 लाख वहीं से खर्चा कर देता है। तो ये नहीं पीता है चाय। गाइस ये कहते हैं कि चाय पीने से काले होते हैं तो मैं चाय नहीं पीऊंगा। बताओ भाई गाइस व्हेन यू हैव फ्रेंड लाइक दिस, व्हेन यू हैव फ्रेंड लाइक अजहर अजगर बेचारी की गर्लफ्रेंड भी सोचेगी कि क्या ही दोस्त बनाई है बच्चा। नहीं मैं लगा लूंगी ऐसे ही। गाइस कैश नहीं था तो हम लोग कैश निकाली नहीं, मेरा 68% हो गया। हम लोगों ने कैश निकाल लिया एटीएम से और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर मंदिर में। किधर से जाना है भाई? जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ राधे राधे, वैसे ज्यादा राधे 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 राधे। अभी हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए और ये गलियाँ बहुत ही काफ़ी लंबा चलना पड़ा हमें क्योंकि बांके बिहारी जी के जो मंदिर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अंदर है, बिल्कुल गलियों में। कहते हैं ना कि ये जो गलियाँ हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी खेला करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये भी गलियाँ देखने को मिली हमें। वैसे तो मैंने यूट्यूब पर देखा ही था लेकिन अभी सामने से देखने को मिला तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, बहुत लंबी लाइन है लेकिन फिर भी हम इतने दूर आए हैं तो जाना तो बनता है। गाइज हमें 2 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन करने को मिलता है और ये जो इन्फ्लुएंसर है इन्हें पता नहीं स्पेशल दर्शन क्यों मिल जाता है। वेरी बैड गाइज, जबरदस्ती लाइन में घुसा दिया इसने बीच में, सब लाइन में लगे कैसा फील हो रहा है?
दर्शन मिल जाएगा? दर्शन नहीं मिलेगा, होप सो। तुमको क्या लग रहा है मिलेगा दर्शन? मिलेगा यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। अरे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ ब्लॉग क्या नाम है तुम्हारा? अनु सिंह 13 मतलब 13। दो घंटे लाइन में लगकर हम यहाँ मंदिर के सामने पहुंचे और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मंदिर अभी बंद है, जस्ट बंद हुआ और अभी खुलेगा 1.5 घंटे बाद। फिर हमने वेट किया 1.5 घंटा। गाइस यहाँ हम लोग बैठ कर वेट कर रहे हैं कि हमें 2 घंटे बाद मिलेगा मौका दर्शन करने का, और यहाँ पैसे लेकर दर्शन करा रहे चोर सब। और क्या चोरी तो है, और क्या हम लोग की भी तो श्रद्धा है। गाइज ये जो मोमेंट था ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि ये आंटी कोई थी वो गुम हो गई थी, काफ़ी टाइम से इधर उधर भटक रही थी और ये मिल नहीं रही थी। फिर बहुत टाइम बाद, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 2 आवर्स हो गए बैठे बैठे, और उसके बाद ये दीदी इनसे मिली और ये लिपट कर इनसे रोने लगी बहुत ज़्यादा देर तक, ये लोग रोएं और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, ऑब्वियसली बात है कि कोई भी ऐसे गायब हो जाए देन मिले तो ऑब्वियसली मतलब बहुत इमोशनल सा लगता है। दांत कैसे टूट गया? अपने आंखें बहुत प्यारी। सबसे दिक्कत तब हो रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे और ये लोग चश्मा और फोन छीन कर लेके चले जा रहे थे, किसी का टोपी है जो कि ये चबा रहे हैं। बहुत टाइम के बाद हमें दर्शन मिला, बहुत बहुत टाइम के बाद, और हमें बहुत अच्छा लगा। ये आप देख सकते हो, ऐसा कहते हैं कि बहुत ही कम टाइम के लिए पर्दे खुलते हैं एंड देन क्लोज जाते हैं, पर्दे खुलते हैं फिर क्लोज जाते हैं, कुछ ऐसा है। तो हमें भी मतलब फाइनली दर्शन मिल गया, वीडियो वगैरह अलाउड नहीं था फिर भी मैंने थोड़ा सा बना लिया। वैसे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर पड़े नहीं हैं। तो हमने दर्शन किया एंड देन हम वहाँ से निकल गए बाहर, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया और उसके बाद हम लोग निकल आए बाहर। यहाँ का मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बिकॉज ऐसी लाइन बीच में दादी अंकल सब लोग एकदम दबे जा रहे थे और कितने लोग मतलब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा साइड दो, लेकिन कोई साइड नहीं दे रहा था। और इसी भीड़ में मैं भी हो गई गायब, क्योंकि 2 लाइन जा रही थी, मैं दूसरे लाइन में चली गई और मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई। गाइस फाइनली मैं मिल चुकी हूँ अपने मित्रगणों से। ये 4 लोग एक साथ थे, नहीं 4 नहीं ऐसे 4 लोग, और मैं अकेले। सोचो गाइस अकेले, मैं भी अकेले ही था। टेंशन लव बर्ड जैसा हुआ है, मुझे तो रास्ते में मिले ये तीनों लोग। हमने ना कैलसिया मंदिर वाला। उसके बाद गाइस हम लोग चले गए होटल, और ये होटल हमने ऑनलाइन बुक किया था, बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा, दोबारा हम कभी भी नहीं जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम चले गए खाना खाने, क्योंकि जो खाना हम लेकर आए थे काफ़ी टाइम हम लोग बाहर रुक गए, इसकी वजह से वो ख़राब हो गया था और इतने अच्छे से बनाया था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार हमारा खाना ख़राब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे होटल के जस्ट बाजू में ही ये ढाबा था, सुखदेव ढाबा, जो कि बहुत ही यमी खाना बना रहा था। तो यहाँ से हम लोगों ने खाया खाना दोपहर का अपना लंच, और लंच में हमने क्या लिया मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये बहुत ही बेसिक सा हमने खाना ऑर्डर किया, रोटी और सब्जी, थोड़ा सा चावल भी ऑर्डर कर लिया था और थोड़ा सा दाल भी, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली बजट के अकॉर्डिंग चलना था। तो गाइस हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे खाना खाने के बाद, हम लोग चले गए सोने, इतनी गहरी नींद आई कि पता ही नहीं चला। फिर शाम को हम लोग आए यहाँ पर चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, हम लोग दोपहर में भी पिए थे। नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ गए उसका भी व्लॉग मैं अपलोड करूँगी। अभी के लिए बाय।